बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में सोमवार की मध्य रात्रि में शादी समारोह में फरमाइशी गाना बजाने के विवाद में पहले मारपीट हुई, फिर अपराधियों ने 30 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार और भास्कर को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके थोड़ी देर बाद जगतपुर गांव से एक घर में पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि भोजपुर न्यूज नहीं करती है। बताया जाता है कि पकड़ी गांव में बारात में चली गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब अजय सिंह की लड़की का बारात आरा मझौवा से आया था। बारात लगने के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया, लोग समझा बुझा दिए और सभी लोग शादी के रस्म में लग गए, लेकिन अपराधियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अपराधियों ने मध्य रात्रि में पहुंचकर जगतपुर पकड़ी निवासी अभिषेक कुमार और भास्कर के सिर में गोली मार दी, जिससे अभिषेक कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटनास्थल पर कृष्णगढ़ थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बता दें कि पकड़ी गांव में फरमाइशी गाना बजाने के विवाद में अपराधियों ने 25 वर्षीय युवक को गोली मार दी। इस घटना को लेकर पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ में लगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि 5 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। सदर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं कृष्णगढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल से 3 बाइकों को किया बरामद। अपराधियों की धरपकड़ हेतु कार्रवाई की जा रही है। आइए चलते हैं दूसरे खबर की ओर। बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र से एक शराब तस्कर सहित 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर खवासपुर थाना प्रभारी दीपक कुमार अपने दल बल के साथ खवासपुर यात्री सेट से बाइक पर लदे अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जाता है कि गिरफ्तार शराब तस्कर अभिषेक कुमार नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव निवासी है। गिरफ्तार शराब तस्कर के पास से 8 PM 180 ML 48 पीस रॉयल स्टैक 375 ML 24 पीस पाया गया है। वहीं सिन्हा ओपी क्षेत्र पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सेना उप प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबी पारस तुरहा पिता पवन तुरहा ग्राम फरहदा, शिव कुमार राम पिता स्वर्गीय ईश्वर दयाल राम आरा सदर थाना क्षेत्र के धरहरा का रहने वाला है। आइए चलते हैं तीसरे खबर की ओर। MLC राधाचरण शाह उर्फ सेठ के आरा भोजपुर सहित सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश। जदयू नेता सह भोजपुर बक्सर के MLC राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के ठिकानों पर मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। भोजपुर के आरा समेत देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने JDU MLC के आरा स्थित घर, होटल, रिजॉर्ट, धर्मशाला आदि पर जांच शुरू की है। IT की टीम MLC राधाचरण शाह की चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है। आइए चलते हैं चौथे खबर की ओर। भोजपुर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, दरवाजा बाहर से बंद कर ससुराल पक्ष के लोग भाग गए, रुपए की कर रहे थे डिमांड। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के मधुरी टोला गांव में मंगलवार को एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर रस्सी से गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका चरपोखरी थाना क्षेत्र के मधुरी टोला गांव निवासी मुन्ना राजवंशी की 24 वर्षीय पत्नी कंचन देवी है। इधर मृतका के भाई रवि कुमार ने मृतका के पति, सास व देवर पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि कंचन की 2017 में मुन्ना राजवंशी से शादी की गई थी। पिछले 2 महीने से घर बनाने के लिए उसके पति द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आइए चलते हैं पांचवी खबर की ओर। भोजपुर में दबंगों ने दंपति समेत 3 को पीटा, पूर्व के विवाद में बेरहमी से की गई पिटाई। ग्रामीणों से गुहार के बाद जख्मी युवक की बची जान। भोजपुर में सोमवार देर शाम पूर्व के विवाद को लेकर दबंगों ने दंपत्ति समेत 3 को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में परिजनों द्वारा सभी जख्मियों का इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर पीड़ित परिवार वालों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना जिले के उद्वंतनगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत बीबीगंज गांव की है। वहीं इस मारपीट की घटना में उक्त लोगों के द्वारा जख्मी गौरव की बेरहमी से सिर पर वार कर उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया है, जिसके बाद किसी भी तरह से गोरख अपने जान बचाकर ग्रामीणों के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं गोरख की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद पटना रेफर कर दिया है। वहीं इस वारदात के बाद पीड़ित परिवारों ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर गजराजगंज थाना प्रभारी चंदन कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।